Horse Me organized two-day horse science mela at Crescent Model Higher Secondary School, in which 250 plus stalls were showcased by almost 130 exhibitors from all over the country. The international exhibitors also participated in Science Mela 2023 that featured new captivated exhibits, demonstration and performances. The exhibitors included schools, colleges, inventors, government organizations and scientists. मेले में साइंस को चार दीवारी से बाहर निकालकर ना सिर्फ सबके लिए पेश किया गया बल्कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, कॉटन कैंडी और पंजाब के पुराने रवायती रंग बिरंगे खिलौनों का स्टॉल भी लगाया गया। साइंस के अलावा सकाफत से ताल्लुक रखने वाली अशिया को भी नुमाइश के लिए पेश किया गया। The exhibitors covered a wide and diverse range on themes such as wildlife, flying machines, light, lasers, patterns, minerals, rocks, crops, architectural symmetry, art, spice, microbes and many more. मेरा नाम सोनाशपुर है और मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। इधर जिस प्रोजेक्ट की मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ उसका नाम है पॉइसन स्पॉट। ये एक्चुअली डायफ्रेक्शन का एक फिनोमेना है जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बच्चों को दिखा रहे हैं ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, चीज़ को सीखने का शौक उनके अंदर पैदा हो। और इस मेले में बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर लोग जिनके डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चों को इस मेले में लेकर आए ताकि उनके अंदर साइंस का शौक पैदा हो, वो आगे जाके वो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हैं और बच्चों को देख के बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और हर किस्म के लोग आते हैं। इधर आने के लिए कोई ना उम्र की कैद है ना किसी प्रोफेशन की कैद है, इधर हर किस्म के लोग आ सकते हैं और यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी पाकिस्तान में एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स की कम्युनिटी है और पाकिस्तान में ये सबसे एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी कम्युनिकेटिंग। और एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोगों को बताते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके बच्चों को, बड़ों को और जनरल पब्लिक को हम एस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस देते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ और मेरा ताल्लुक फिजिक्स डिपार्टमेंट से। ये मेला ख्वारज़्मी साइंस सोसाइटी ने मुनक्किद करवाया और इसका बुनियादी मकसद तलबा में साइंस की अहमियत को उजागर करना है। जैसा कि आजकल के सारे बच्चे इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उससे कुछ सीखें और उससे की अहमियत को उजागर करें। इस मौके पर क्रेसेंटेरियंस, खासतौर पर छोटे बच्चे, अपने स्कूल की ग्राउंड में इतना बड़ा साइंस मेला ऑर्गेनाइज होने पर बेहद खुश नजर आए। स्कूल में और मैं सेवन में पढ़ता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो मुझे पता है, और डार्क रूम में बहुत सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं, वो अच्छा भी है। और रिफ्लेक्शन की सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, आप लोग जाके देखें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा मुझे डार्क रूम लगा, वहाँ पे इन्होंने ब्लैक हॉल भी हमें दिखाया, हर चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे जो मेरी साइड पे ब्लैक हॉल है उसके अंदर हमें उन्होंने ब्लैक हॉल दिखाया था और लेज़र से दिखाया था कि हमें स्पॉट्स कैसे नज़र आ रहे हैं इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें। आज हमारे स्कूल में साइंस मेला हो रहा है और यहाँ पे हमें बहुत सी टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी हमने मट से चीज़ें देखी हैं, उस डार्क रूम में हमने लेज़र के बारे में देखा है। उधर वो फॉर्म पे कोई मशीन है जो नीचे ऐसे चल रही है और वो खुद ब खुद वो लिख रही है पेपर पे, मतलब वो ड्राइंग बना रही। कैसा लगा ये मेला? ये मेला बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? बहुत कुछ देखा। इतना बड़ा इवेंट हो और लाहौरियों के लिए खाबों का एहतमाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्रेसेंट कॉलेज की ग्राउंड खाने के स्टॉल्स के लिए मुख्तस की गई, जहां ढेरों स्टॉल्स विजिटर्स को रंगारंग मजेदार खानों से अट्रैक्ट करते रहे।
Pakistan Atomic Energy Commissioner also showcased its stall in Lahore Science Mela. The Mela welcomed everyone and all ages person with free of cost to explore the scientific discoveries and milestone around us. This Science Mela is featuring exhibitions and activities focusing on different fields of sciences such as mathematics, biology, chemistry, physics, environmental sciences and computer sciences. The Lahore Science Mela is supported by scientists, researchers, educators and students from various disciplines. These types of science festivals are not only encouraging the young people to take an interest in science and technology, but it also promotes the scientific thinkers. It is also facilitating the development of innovative ideas. Khwarizmi Science Society is an organization founded in 1997, working with an aim to promote science in educational institutions and targeting general public to create awareness about science. They started their first Mela in 2017 with the ideology that science is for all. And now it has become a major science mela in the city of Lahore. हमें चाहिए कि हम हर साल ये इस सोसाइटी को हम फैलाएं और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं खास तौर पे उनके बच्चे भी इधर आएं और वो भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें, क्योंकि नॉर्मली हमारे सोसाइटी की ये नॉर्म है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं उनकी उस तरह से मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का लेवल मीट कर सकें। द मेला बूस्टेड अ वैरायटी ऑफ अट्रैक्शन, अ डाइवर्स रेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्जिबिटर्स, प्लैनेटेरियम एंड लार्ज हार्डन कोलाइड, व्हिच नॉट ओनली टुक पीपल ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स द स्टार्स बट ऑल्सो नैरो डाउन टू द अर्थ एंड इट्स नेचर. We all know that Pakistan is not a developed country. There is need to work for promotion of science literacy among the people. In this scenario, an arrangement of Science Mela to create awareness and to educate visitors at large is significant and appreciable. And no doubt, it is Science Street for all.